मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक और एयरपोर्ट के बारे में। बिहार के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। बिहार को बहुत ही जल्द एक और एयरपोर्ट मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों बीएमपी के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है। अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह बताया गया है कि यह एयरपोर्ट अच्छा है। अधिकारियों की तरफ से जारी बयान के बाद से यह बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की शुरुआत की जाने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही 3 एयरपोर्ट चालू है, जिसमें पटना, गया और दरभंगा से हवाई जहाज़ों की उड़ान शुरू हो चुकी है। इन 3 के अलावा यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द बीरपुर हवाई अड्डे की शुरुआत हो सकती है। बताया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट सुपौल जिले में बन रहा है, जो कि नेपाल से काफ़ी करीब है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नेपाल जाना काफ़ी आसान होने वाला है। बीएमपी अधिकारियों ने 1.6 किलोमीटर रनवे का भी पूरा निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बताया है कि यह एयरपोर्ट पूरी तरह से ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में कुल 24 हवाई अड्डों का घरेलू उड़ान के लिए चुनाव किया गया, जिसमें बीरपुर हवाई अड्डा का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले बीएमपी अधिकारियों ने सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के हवाई अड्डों का सर्वे किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे, तो उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरू करने की बात कही थी। हालांकि अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि बीरपुर हवाई अड्डा की स्थिति जो है पहले से बेहतर है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द यह हवाई अड्डा शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे काम जो है अब तीव्र गति से होगी। इससे पहले भी बीरपुर हवाई अड्डे को शुरू करने की बात कही गई थी। साल 2008 में 22 करोड़ की लागत से इसे मरम्मत किया गया था, जिसके बाद इस हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ान की शुरुआत की गई थी। बीरपुर हवाई अड्डा आम लोगों के बीच में चर्चा में तब आया जब साल 1969 में के अक्टूबर महीने में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान डेकोटा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वहां उतरा था। इसके अलावा जब देश के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का निधन हुआ था, उसके बाद 2 जनवरी 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यहां आगमन हुआ था, जिसमें कि 18 हवाई जहाज और 3 हेलीकॉप्टर की वहाँ लैंडिंग की गई थी। आपको बता दें कि बीरपुर हवाई अड्डे का निर्माण कोसी योजना के तहत जो है स्थापना काल के दौरान से किया जा रहा है। अब इस एयरपोर्ट को देख रेख की निगरानी जो है प्राधिकरण को सौंप दी गई है। ऐसे में जिस तरह से बीरपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों का आवागमन हो रहा है, ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द अन्य एयरपोर्ट की तरह बीरपुर एयरपोर्ट भी जो है बहुत ही जल्द शुरू होगा। क्योंकि देश में जिन 24 एयरपोर्ट की शुरुआत करने की बात कही गई है, उसमें एक नाम बीरपुर का भी शामिल है। वैसे भी यह पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ से यात्रा करना एक लाभदायक हो सकता है और पर्यटन विभाग को इससे काफ़ी फायदा होगा। तो यह था बीरपुर एयरपोर्ट को लेकर जानकारी, जहाँ की बहुत ही जल्द यह उम्मीद की जा रही है कि बीरपुर एयरपोर्ट जो है, जो कि सुपौल में स्थित है, उसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि नेपाल जाने वाले यात्रियों को लाभ मिले और पर्यटकों के लिए भी यह एक सुगम रास्ता हो सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।